तो देखिए यहाँ पे हमने 6 फंदे तक बढ़ाए हैं, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे बढ़ाएंगे 7वां फंदा हमारा बढ़ जाएगा और यहाँ से फिर हम फंदे अब नहीं बढ़ाएंगे। तो पहला फंदा हम उतार लेंगे। अब यहाँ पे जितने भी फंदे यहाँ पे मार्कर से पहले सभी को बुन लेती हूँ। पहले 3 4 5 और ये 6। 6 फंदे बुनने के बाद एक फंदा और हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे तो टोटल हमारे पास 7 हो जाएंगे। देखिए एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लिया हमने तो टोटल हमारे पास 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये मार्कर को यहाँ पे हम खोल देंगे, मार्कर की ज़रूरत नहीं है अब यहाँ पे। अब यहाँ से इस मार्कर तक बुनेंगे 18 फंदे, हमने जो यहाँ पर मार्कर लगाया था मार्कर से पहले 18 फंदे हमारे, तो 18 फंदे पहले बुन लेती हूँ। चलिए 18 फंदे बुन लेती हूँ यहाँ से। ये फंदा हमने बुन लिया, ये टोटल हमारे 18 फंदे हो गए। 18 फंदे बुनने के बाद ये मार्कर खोल देंगे हम यहाँ पे, इस तरह से एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे और यहाँ से बीच के जितने फंदे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदा यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे, इस मार्कर को खोल देंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ से 18 फंदे बुनेंगे, 18 फंदा बुनने के बाद ये मार्कर खोल देंगे और यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेंगे, तो इधर भी हमारे 7 फंदे हो जाएंगे। जैसे 3 और 6 है, ये मार्कर को खोल देंगे, यहाँ पे एक फंदा बढ़ जाएगा हमारा, तो 18 फंदे बुन लेती हूँ, फिर यहाँ एक फंदा बढ़ा लेती हूँ और ये पूरा बुन लेती हूँ। अब यहाँ मार्कर को खोलेंगे, देखिए यहाँ एक फंदा और बढ़ा लेंगे, एक फंदा हमने बढ़ाया और यहाँ पे 6 फंदे, टोटल हमारे पास 7 फंदे हो गए। अब यहाँ पे कोई भी फंदा हम नहीं बढ़ाएंगे, अब उल्टे साइड से उल्टा बनाएंगे और सीधे साइड से भी सीधा बनाएंगे और उल्टे साइड से भी उल्टा बनाएंगे, और इसी तरह से करते हुए हम 8 लाइनें कंप्लीट करेंगे। यानी इस तरह की धारियाँ 4 बननी आनी चाहिए, जैसे 1 2 3 4 धारियाँ, इसी तरह से अब हम फंदे बढ़ाते हुए पहले देखिए इस तरह से कर लेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, सारे फंदों को सीधा बनाएंगे, यानी 8 सिलाइयाँ बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ आपको। प्लेन 8 सिलाइयाँ बनानी है, उल्टे साइड से भी सीधा और सीधे साइड से भी सीधा बनाएंगे 8 सिलाइयाँ। अब कहीं भी फंदे नहीं बढ़ाने आपको। तो चलिए 8 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ, इस तरह की 4 धारियाँ बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। आइए, आप सभी का स्वागत है सोनू होम नीटिंग चैनल में। मैं सबके लिए फिर से एक सॉक्स लेके आई हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर सिलाई की बात कर ले, तो 10 नंबर की मैंने यहाँ पर सिलाई ली हुई है, ऊन यहाँ पे 4 प्लाई है और इस सिलाई पे मैंने फंदे डाल के रखे हैं, 41 फंदे डाल के रखे हैं, यानी 41 फंदे डाले हुए हमने। 41 फंदे डालने के बाद पहली सिलाई हमारी पूरी सीधी जाएगी, इस तरह से पूरी सिलाई हम सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये हमारी पहली सिलाई उल्टी होगी, यानी उल्टी रो है ये, इसे उल्टा काउंट करेंगे हम। तो पूरी सिलाई हम सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब दूसरी सिलाई देखिए, यहाँ से फंदे को हम सीधा बनाएंगे, 1 और ये 2। 2 फंदे बुनने के बाद एक यहाँ पे हम फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे एक मार्कर लगा देंगे, चाहे आप मार्कर लें या फिर धागा से इस तरह से मार्कर लगा दें। अब यहाँ से हम 18 फंदे बुनेंगे सीधा, एक दो तीन चार पाँच, इसी तरह से 18 फंदे बुन लेती हूँ। मार्कर से हमने यहाँ से यहाँ तक 18 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब यहाँ पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे एक फंदा इस तरह से बढ़ाएंगे, ऐसे मार्कर लगाने के बाद एक फंदा बढ़ाना है आपको, फिर एक सीधा फंदा बनाएंगे नॉर्मल जैसे बना रहे थे, फिर एक हम यहाँ पे फिर से हम इस तरह से फंदे बढ़ाएंगे और यहाँ एक और मार्कर लगा देंगे हम यहाँ पे इस तरह से। बीच में आपके 2 मार्कर लगने चाहिए, मार्कर के बीच में 2 फंदे आपके होने चाहिए,
देखिए 18 फंदे बुनने के बाद हमने यहाँ पे मार्कर लगाया, फिर एक फंदा बढ़ाया, फिर एक सीधा बुना नॉर्मल, फिर एक फंदा हमने बढ़ाया, फिर मार्कर लगाया। अब यहाँ से फिर से हम 18 फंदे बुन लेंगे। चलिए यहाँ से अब 18 फंदे बुनेंगे, एक दो तीन चार, चलिए तो 18 फंदे बुन लेती हूँ। यहाँ पर हमने इस मार्कर से लेके यहाँ तक हमने 18 फंदे बुन लिए हैं, इसे छोड़ते हुए यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ एक और मार्कर लगाएंगे हम, मार्कर लगाने के बाद एक फंदा और बढ़ा लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे शुरुआत में किया हुआ था। दो फंदे बुनने के बाद हमने यहाँ पे एक फंदा बढ़ाया हुआ था, उसके बाद मार्कर लगाया हुआ था। तो देखिए यहाँ पर एक फंदा हमने बढ़ा लिया, लास्ट में आपके दो फंदे रहेंगे, इसे आपको सीधा बना लेना है। अब उल्टे साइड, उल्टे साइड आपको कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है, यहाँ पे आपको सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। पहला फंदा उतार लेंगे, यहाँ जितने भी फंदे बचे हुए हैं सभी को हम इस तरह से उल्टा उल्टा सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। मार्कर को इधर कर लेंगे और यहाँ से सारे फंदों को हम सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे, उल्टा लाइन कोई भी फंदा नहीं बढ़ेगा हमारे। अब देखिए सीधी साइड आ गए, सीधी साइड अब हम यहाँ पर फिर से फंदा बढ़ाएंगे। तो पहला फंदा हम उतार लेंगे, अब यहाँ पे दो फंदे और बुनेंगे। मार्कर से पहले फंदे आपको बढ़ाने, तीन फंदे हमने बुन लिए, तीन फंदे से मार्कर से पहले आपको फंदा एक बढ़ा लेना है, फिर मार्कर को हम इधर कर लेंगे और यहाँ से फिर से हम इस मार्कर तक बुनेंगे। यहाँ तक 18 फंदे हमारे हैं, तो 18 फंदे तक हम बुन लेते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ। चलिए ये मार्कर तक बुनती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो इस मार्कर से लेके यहाँ तक हमने 18 फंदे बुन लिए, अब ये मार्कर को हम इधर कर लेंगे। अब यहाँ एक फंदा और बढ़ाएंगे इस तरह से, अब बीच में देखिए आपके तीन फंदे सीधे आ जाएंगे, जो तीन फंदे हमने बढ़ाए हुए थे, एक फंदा बढ़ाया था, बीच में एक नॉर्मल बुना था, फिर एक फंदा बढ़ाया था, इन तीनों को हम सीधा बना लेंगे। तीन फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ाएंगे इस तरह से, मार्कर को इधर कर लेंगे। अब यहाँ से 18 फंदे फिर से बुनेंगे और 18 फंदे बुनने के बाद देखिए मार्कर को इधर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक फंदा बढ़ेगा हमारा। तो 18 फंदे बुन लेती हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक हमने 18 फंदे बुन लिए हैं। अब ये मार्कर को इधर करेंगे, अब यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे हम इस तरह से, और तीन फंदे फिर से हम सीधे बना लेंगे। और उल्टी साइड कोई भी फंदा हम नहीं बढ़ाएंगे, इस साइड आ जाएंगे हम, इधर हमें कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है। आपको फंदा तब तक इधर बढ़ाते रहना मार्कर से पहले जब तक हमारे यहाँ पास सात फंदे ना हो जाए। जैसे हमारे पास चार फंदे हो गए, सात फंदे हो जाएंगे शुरुआत में, तब आपको फंदे बंद कर देना है, मार्कर से पहले आपको बुनना है। जैसे अब अगली राउंड आएंगे तो एक दो तीन चार फंदे बुनेंगे, फिर यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे, उसके बाद मार्कर लगाएंगे, उसके बाद यहाँ से 18 फंदे बुनेंगे, फिर मार्कर को इधर करेंगे, फिर मार्कर से पहले यहाँ पर एक फंदा बढ़ाना है, फिर बीच में आपके देखिए एक दो तीन चार पाँच फंदे आ जाएंगे, पाँच फंदे बुनने के बाद फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर मार्कर को साइड करेंगे, फिर यहाँ से 18 फंदे बुनेंगे, मार्कर को इधर ले आएंगे, फिर आपके यहाँ पर चार मार्कर के बाद एक फंदा बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर से हम चार फंदों को बुनेंगे। तो इसी तरह से करते हुए आपको जब तक साइड में आपके सात फंदे ना हो जाएँ तब तक आपको बढ़ाते रहना है। सात फंदे यहाँ हो जाएंगे, बीच में भी बढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ा लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे देखें हमने चार सलाइयाँ बना ली, तो यहाँ से यहाँ तक हमारी आठ धारियाँ आ चुकी हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठवां। अब यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे, कलर चेंज करते हुए हम यहाँ पे सीधा बुनेंगे। इस तरह से लेंगे, सारे फंदों को हम सीधा बना लेंगे। सीधे तरफ से सीधा और उल्टे तरफ से उल्टा बुनेंगे अब हम, और इसी तरह से करते हुए हम चार सिलाइयाँ बुना लेंगे। हम पहली सिलाई हमारी सीधी तरफ से हो गई, उल्टे तरफ से उल्टा बनाएंगे, फिर सीधे तरफ से सीधा, फिर उल्टे तरफ से उल्टा, जैसे हम सीधा उल्टा बनाते हैं उसी टाइप से। तो चार सिलाइयाँ मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी चार सिलाइयाँ बनके कंप्लीट हो गई। अब सीधे साइड आ गए, सीधे साइड देखिए क्या करना है हमें।
अब यहाँ से 15 फंदों को हम सीधा पहले बनाएंगे, यहाँ पे हमारे फंदे घटना शुरू हो जाएंगे। तो पहला फंदा उतार लेंगे। अब यहाँ से हम देखिए काउंट करते हुए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बना लिए। अब देखिए ये फंदा इस तरह से खोलेंगे, 16वां फंदा और 17वां फंदा इस तरह से खोलते हुए हम इस तरह से सिलाई में चढ़ाएंगे, घुमाते हुए इसे चढ़ा लेना हमें, और इस तरह से पीछे जाते हुए इसे दो फंदों का एक फंदा कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ से 12 फंदे बुनेंगे हम। यहाँ एक फंदा हमने घटा लिया, अब यहाँ से 12 फंदे बुनेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। 12 फंदे बुनने के बाद देखिए यहाँ तीन फंदे हमें घटाने हैं, 1, 2, 3 फंदे। तो पहले दो फंदों को हम इस तरह से खोल लेंगे, ऐसे आगे की साइड से दोनों फंदों को इस तरह से लेंगे और ऐसे घुमा देना आपको, दोनों फंदों को घुमाते हुए सिलाई में चढ़ा लेंगे हम। और एक ये फंदा, तीनों को लेते हुए पीछे साइड से तीन फंदों का एक फंदा कर देंगे हम इस तरह से। देखिए यहाँ से फिर से हम 12 फंदे बुनेंगे, एक फंदे घटाने के बाद हमें 15 फंदे बुनने हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। फिर इन दो फंदों का एक फंदा कर देंगे हम इस तरह से, जहाँ हमने बीच में फंदे घटाए यहाँ से 12 फंदे बुनने के बाद हम फंदा घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने घटाए बीच में, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब 13 और 14 फंदों को हम इस तरह से लेंगे आगे की साइड से, हम ऐसे लेना आपको सिलाई, आई दो फंदों का एक फंदा कर देंगे यहाँ पे हम। अब लास्ट में आपके 15 फंदे बचेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 1, 15। इन फंदों को हम यहाँ पे इस तरह से बना लेंगे। चलिए ये फंदे बना लेती हैं और उल्टी साइड से कोई फंदा नहीं घटेगा, उल्टी साइड से हम उल्टा बनाते हुए आ रहे हैं सीधे साइड। तो देखिए उल्टी साइड उल्टा बुनते हुए सीधे साइड आ गए। फिर से हम यहाँ पे शुरुआत में 15 फंदे बुन लेंगे, पहला फंदा उतारेंगे, यहाँ से 15 फंदे बुनेंगे हम, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। 15 फंदे बुनने के बाद देखिए 15 फंदे हमने यहाँ पर बुन लिए। अब ये फंदा इस तरह से खोलेंगे और एक फंदा ये खोलेंगे, दोनों को वापस में फिर उल्टे हाथ में लेंगे और पीछे साइड से दो का एक कर देंगे। अब देखिए ये जो हमने बीच में निशान लगाया हुआ है, इसके अगल बगल के फंदे हमें घटाने हैं। ये जो बीच का निशान है, इसे और इसे, इन तीनों को मिलाते हुए फंदे घटाने। तो उससे पहले देखिए कितने फंदे आ जाएंगे हमारे, 2, 4, 6, 8 और ये 10। अब 10 फंदे हम यहाँ पे सीधा बुनेंगे। हमेशा आपको इसके अगल बगल जो हमने निशान लगाया है, उसके अगल बगल का ही फंदा घटाएंगे मिलाते हुए तीन फंदों का, और उससे पहले जितने फंदे आएंगे सभी को बुनते जाएंगे। और यहाँ पे 15 फंदे बुनने के बाद फिर हम दो फंदे घटाएंगे, और तब तक घटाते रहना है कि 15 फंदा इधर बचे, 15 फंदा इधर, और बीच में जितने फंदे हैं सभी घटते हुए सिर्फ हमारे ये जो एक है ये फंदा ही बच जाए हमारा। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे 10 फंदे पहले बना लेंगे,
निशान के अगल बगल का फंदा को हमें घटाना है। देखिए निशान के अगल बगल का फंदा आ गया। अब ये जो निशान वाला फंदा ये लेंगे और पहला फंदा, इन दोनों को इस तरह से उतारेंगे और वापस इसे उल्टा करते हुए इसे सिलाई में चढ़ा लेंगे। अब एक फंदा इधर का लेंगे। अब इन तीनों का पीछे साइड से तीन फंदों का एक फंदा कर देंगे हम यहाँ पे, तीन फंदों का एक फंदा कर दिया। अब यहाँ से फिर से हम 10 फंदे बुनेंगे, उसके बाद फिर से हम फंदे घटाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 10 फंदे हमने यहाँ बुन लिए। अब दो का एक करेंगे आगे की साइड से, इस तरह से लेंगे दो फंदे और इधर से दो का एक कर देंगे। अब देखिए लास्ट में आपके 15 फंदे बचेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 1 15। तो इसी तरह से फंदे मैं घटा लेती हूँ जब तक हमारे बीच का फंदा एक ना रह जाए। दोनों साइड से हमारे 15 फंदे रह जाएंगे और बीच में जो हम अगल बगल का फंदा घटा रहे हैं सिर्फ एक ही फंदा रह जाएगा हमारा। तो चलिए इसी तरह से घटा लेती हूँ, फिर अगली बार आऊँगी। उल्टे साइड से उल्टा बुनने लगा, फिर सीधे साइड से 15 फंदे बुनेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये 15। 15 फंदे बुन लिए, फिर एक और दो फंदों को घटा देंगे, फिर निशान से पहले का फंदा और बाद का फंदा छोड़ देंगे। देखिए निशान से ये जो निशान है इसका ये फंदा और ये फंदा तीनों एक साथ घटेंगे, उसके बाद कितने फंदे रह जाते हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 फंदे रह जाएंगे, 8 फंदे रह जाएंगे। 8 फंदे बुनेंगे, फिर 3 फंदों का घटाएंगे, फिर इधर से 8 फंदे बुनेंगे, फिर यहाँ 2 फंदे घटाएंगे, फिर 15 फंदे बुनेंगे। इसी तरह से करते हुए मैं घटा लेती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमारे फंदे घटते हुए एक फंदा रह गया हमारे पास। अब इधर देखिए हमारे पास 16 फंदे रह जाएंगे, इधर 16 दूनी 32 और 1 33 फंदे हमारे सिलाई पर रह जाएंगे। तो मैं ब्लैक कलर का यहाँ पर बात कर लूँ, ब्लैक कलर का मैंने सबसे पहले यहाँ पर 41 फंदे डाले हुए थे, फिर यहाँ पे फंदे डालते हुए मैंने यहाँ पे टोटल 61 फंदे कर लिए थे, यानी 20 फंदा यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ गया था। 41 फंदे हमने फंदे डाले, 20 फंदा हमने और बढ़ाया, तो टोटल 61 फंदे हो गए हमारे इस ब्लैक कलर पे जहाँ हमने। उसके बाद हमने यहाँ से घटाते हुए आए और यहाँ पे देखिए 16 फंदा इधर है, 16 फंदा इधर और बीच का एक फंदा। अब यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे, कलर चेंज करते हुए हम यहाँ से फिर से हम ब्लैक कलर ले लेंगे। अब सारे फंदों को जितने फंदे हैं सभी को हम सीधा बुन लेते हैं। चलिए सारे फंदे हम सीधा बुन लेंगे, पूरी सिलाई हमने सीधी बना ली। अब यहाँ से बॉर्डर बनना शुरू हो जाएगा, उल्टी सिलाई से हम यहाँ पर शुरू कर देंगे, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बनाते हुए। तो एक फंदा हम यहाँ पर उतार लेंगे, धागा उस और करेंगे। पहला फंदा जो उतारा हमारा वो उल्टा था, अब इसे हम सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा उस ओर करेंगे, एक फंदा सीधा। इसी तरह से करते हुए हम ये बॉर्डर लाइन कंप्लीट करेंगे, सीधे साइड से भी एक उल्टा एक सीधा करते हुए हम टोटल 12 से 14 लाइनें कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं आगे दिखाती हूँ आपको। तो चलिए ये बॉर्डर लाइन कम्प्लीट कर लेती हूँ, 12 से 14 लाइनें। यहाँ पर हमारी बॉर्डर लाइन कम्प्लीट हो गई। आप चाहे तो ये बॉर्डर लाइन और भी लंबा कर सकती हैं। तो मैं यहाँ तक बॉर्डर लाइन कंप्लीट करने के बाद अब दो का एक करते हुए फंदे को बंद करूँगी। इस तरह से दो का एक करेंगे, इस तरह से वापस से फंदा इसमें चढ़ाएंगे, फिर दो का एक करेंगे, फिर वापस से फंदा इसमें चढ़ाएंगे। इसी तरह से करते हुए सारे फंदों को बंद कर लेती हूँ, फिर आगे का सिलाई का तरीका क्या है वो मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरह से करते हुए फंदे को बंद कर लेंगे पहले। अब देखिए इस तरह से पलट लेंगे इसे। अब जो जिस कलर से है उसी से हमें इसे सिलना है, ऐसे रखेंगे इसे बराबर करते हुए। तो यहाँ से हमारे ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर से सिलेंगे, यहाँ हमारे ब्लू है तो ब्लू से, और यहाँ फिर ब्लैक है तो ब्लैक से, फिर यहाँ से घूमते हुए यहाँ तक सिलेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ से सिलना शुरू करते हैं, दोनों को एक साथ मिलाते हुए सिलेंगे। इस तरह लेंगे, अब यहाँ से यहाँ तक ब्लैक कलर का सिलेंगे, दो दो फंदे इस तरह से पकड़ लेंगे हम।
जो जिस कलर से उसी कलर से सिले, नहीं तो फिर ये अच्छा नहीं लगेगा देखने में। अब यहाँ से हम देखें, यहाँ से ब्लू कलर से सिलेंगे, फिर यहाँ से ब्लैक कलर से सिलते हुए हम यहाँ तक आएंगे नीचे तक। तो चलिए सिलने का तरीका, यहाँ से यहाँ तक और इधर से इधर। तो देखिए सिलाई करने के बाद हमारी सॉक्स कुछ इस तरह से बन के रेडी हुई है, नीचे से इस तरह से सिलाई हुई है साइड में ऐसे, और आगे से कुछ इस तरह से ये लगेगी। आप चाहे तो यहाँ पे दो पॉम पॉम बना दें यहाँ पे डोरी डाल के, आप चाहे तो यहाँ पे क्रोसिया से राउंड शेप में बनाते हुए या आँख बना दें दोनों साइड, यहाँ से फेस बना दें, तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत एक लुक आ जाएगा इसमें। और कितना ईजी है इसे बनाना देखिए, और बहुत ही खूबसूरत बन के आता है ये। पर बच्चों के पैर में भी बहुत अच्छी फिटिंग होती है। जो मैंने यहाँ पे बॉर्डर बनाया, इसे चाहे तो आप थोड़े से और बना सकते हैं, जितना मैंने बनाया इसका डबल और कर दें, तो फिर इसे आप फोल्ड करके भी पहना सकते हैं। ये फिर बच्चे के ऊपर तक आ जाएगी, ये पूरे घुटने तक आ जाएगी। ये जो बॉर्डर है इसे आप थोड़ा सा लंबा कर दें तो घुटने तक आ जाएगी बच्चे की। तो चलिए बनाइए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, थैंक यू।